रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने बात करी थी कि जी मैं 2000 और 10000 का हमारा डिस्कशन हो रहा था ना, अब उसी पे आएंगे, आप अपने आंकड़े डालिएगा। और आपको, आपके पास है वो 10000 वाली मशीन या है आपके पास? अच्छा चलो, आपका ही आंकड़ा लेंगे, आप देखते जाओ इसके अंदर, यू विल बी एबल टू फिगर आउट वेरी इजीली फॉर योरसेल्फ। इसमें मैंने एक एग्जांपल लिया है टी पैकिंग के बारे के अंदर। ये जो कंपनी है ये चाय बनाती हैं, लगभग इनको 5000 पैकेट दिन में पैक करने होते हैं। चाय का एक अप्रॉक्सीमेट रेट लिया मैंने 200 रुपये किलो, और पैकेट जो पैक कर रहे हैं 250 ग्राम का पैकेट पैक कर रहे हैं, ठीक है जी। ये मेरे ब्रॉड स्पेसिफिकेशन हो गए। इस फॉर्मूले में आप जो भी डालेंगे उसका रिजल्ट आपको निकल के आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि ये कैसे यूनिट या तो लॉस में जाएगा या प्रॉफिट में जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर। पैकिंग करी मैंने, मैंने पहले बात करता हूँ मटेरियल सेविंग की। हमने कोई भी मशीन लगानी है तो हमें देखना है कि उससे सेविंग क्या होने वाली है, और उसको क्वांटिफाई करने का, उसके नंबर निकालने का एक बड़ा सिंपल तरीका है। 5000 पैकेट दिन के पैक करने हैं, मैंने वे फिलिंग अगर सिस्टम लगाया कंपेयर टू मैनुअल पैकिंग या कंपेयर टू वॉल्यूमेट्रिक पैकिंग, तो मेरा लगभग 2 ग्राम पर पैकेट का सेवियर होने वाला है। मैनुअली जब मैं पैक करता हूँ, जितनी देर मैं शॉप फ्लोर में खड़े रहता हूँ उतनी देर तो बड़े बढ़िया तरीके से वेइंग स्केल को देखता है, उतना ही वजन करता है और साइड में रख देता है। मैं यहाँ चलता हूँ, वो पीछे से मुस्कान लगाता है, कहता है चलने दे अब, फिर चालू। जब जब आप जाएंगे आपको वेट सही मिलेगा, जब जब आप हिलेंगे तो वेट गड़बड़ हो जाएगा। अब क्या होगा कि आप करो, अब आप सारे तो वजन चेक नहीं कर सकते, अब आप बीच में जाके रैंडमली चेक करेंगे, बाबू जी थोड़ा सा एक दो आ गए होंगे जी, कोई बात नहीं। अब आप भी बोलोगे यार अब तो सील हो गया, आप क्या फर्क पड़ता, चल चलने दे, अभी तो फोन आ रहा है, जाने दे माल को, अभी तो अगली बारी सही करिए भाई, बस इतना कह के आप भी ठंडे हो जाएंगे और वो माल निकल जाएगा। अगर आप वॉल्यूमेट्रिक सिस्टम कर रहे होंगे इस्तेमाल, तो उसमें बल्क डेंसिटी का जहाँ से वेरिएशन आएगा वो वेट का वेरिएशन उसके अंदर आ ही जाएगा। अब मैंने अगर एक पैकेट पे 2 ग्राम बचाया तो 5000 पैकेट में कितने बचे जी, 10 किलो। मटेरियल मेरा था 200 रुपये किलो का, ठीक, तो 200 × 10 कितने हो गए, 2000 रुपये पर डे की मेरी सेविंग हो गई। एक महीने में मैंने 30 दिन काम किया, 2000 × 30 हो गए 6000 रुपये, और साल के कितने बचे मेरे, 60000 × 12 720000 रुपये। ये मैंने मटेरियल सेविंग करी एक सेमी ऑटोमेटिक वे फिलिंग सिस्टम को लगा के। अब मैं बात करता हूँ कि मेरा ना ये यूनिट मैनुअली पैकिंग करता था, बिल्कुल स्टार्टअप यूनिट थे, बहुत बढ़िया से काम चल रहा था। हमने शुरू के अंदर 3-4 बंदे लगाए, आराम से मिल गए, हमारा काम चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं मशीन लगाने वाला हूँ तो क्या मेरे को वाकई उसका बेनिफिट मिलने वाला है, जो आपका सवाल था। एक तो मैंने बात करी मटेरियल की, तो आपने जो 10000 और 2000 की जो बात करी उसको अब आप मैप करना शुरू कीजिए। आप इस तरीके से कुछ देख सकते हैं आंकड़ा, मे बी नॉट वेट बट सम अदर एट्रीब्यूट, कोई और चीज़ कुछ तो करती होगी वो मशीन, क्या काम करती है वो मशीन? वैक्सिंग करती है। अगर मैं वैक्सिंग नहीं, उसमें मटेरियल कुछ बचता है मेरा वैक्सिंग से? ये कर सकते हैं कि अगर बगीचे से ऐसा माल आ जाए जिसको वैक्सिंग करने की जरूरत नहीं है, वो पहली चमक अगर मैं वैक्सिंग नहीं करता तो क्या फर्क पड़ता है मेरे बिजनेस पे? अगर वैक्सिंग नहीं करते तो जो मार्केट में बिकना चाहिए उससे कम प्राइस में बिकेगा। बस ठीक है, अब आपको कितने कम प्राइस में बिकेगा? कम से कम 2-3 रुपए। 2-3 रुपए किलो। अब आपको पता है कि 2-3 रुपए का तो मेरा रेट में डिफरेंस आता है। एक दिन में कितने किलो बेचते हैं, महीने में कितने किलो बेचते हैं, साल में कितने किलो बेचते हैं, इंटू 2 कर देंगे तो आपको निकल के आ जाएगा कि जी इतने रुपए की सेविंग है। तो ये पॉइंट नंबर 1 आपने कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह से जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उसको आप नंबर निकालिए उसका, तो आपको जस्टिफिकेशन मिलेगा, ठीक है ना जी। और आप ये भी देख लीजिए, चलो इस क्वांटिटी को और कम कर देते हैं कि अगर मैं 100 किलो खरीदता हूँ नॉर्मली, उसमें से 10 किलो तो ऐसे आते हैं जिसमें वैक्सिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो 90 किलो में करनी पड़ती, तो ये कैलकुलेशन 90 किलो पे कर लेंगे, ठीक। अब बात करते हैं हम मैन पावर की। जब मैं मैनुअली पैक कर रहा था तो 4 बंदे मेरे लग रहे थे। पहला बंदा क्या करता था, वो थैली खोलता था, दाल मोट उठाता था, थैली के अंदर डालता था, दूसरे बंदे को देता था, वो उसने तराजू के ऊपर रखा, उसका वजन कर लिया, फिर उसने थोड़े से कम ज़्यादा जो थे वो कर दिया, उसने उसको तीसरे बंदे को दे दिया, उसने उसको सीलर में डाला, उसको सील कर दिया। अब ये सारा काम 3 लोगों से हो गया, अब चौथा बंदा क्यों चाहिए, जो सील हो गए उनको हटा के अलग रखेगा, जो शुरू के अंदर बंदा माल थैली में डाल रहा था उसको नया माल खोल के देगा,
तभी मेरी ये तीन या चार लोगों की टीम चलेगी, मेरी चार लोगों की, तो चार लोगों की। अब मैंने अगर इसको सेमी ऑटोमेटिक सिस्टम से रिप्लेस कर दिया, आपके सेमी ऑटोमेटिक पे आ गया मैं, तो मेरा उसमें एक ही आदमी लगा। ये जो चार आदमी थे दिन के लगभग तीन 1000 पैकेट से ऊपर नहीं कर पाते ऑन एन एवरेज। अगर ज़्यादा कर पाते हैं तो आप वो फिगर डाल दीजिए, जो आपकी फिगर आती है आप अपनी फिगर डालिए। तो मैंने टोटल कितने बंदे बचाए, मैंने तीन आदमी बचा लिए। एक आदमी की सैलरी मैंने ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए 10,000 रुपये ले ली, तो 10,000 इंटू 3 30,000 रुपये मेरे महीने के बच गए, इंटू 12 360,000 रुपये मेरे बच गए, तो मेरा 720,000 रुपये बचा एक साल के अंदर मशीन के अंदर वजन बचा के, 360,000 बचा मेरा मैन पावर बचा के। अब जब मैं मशीन लगाऊंगा तो कुछ बिजली का भी खर्चा करूंगा, राइट, उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 1 किलोवाट की लेटर से मशीन है, 10 रुपये 10 घंटे चलाता हूँ मैं, तो 10 किलोवाट आवर मेरे कंज्यूम हो जाते हैं। 8 रुपये यूनिट के हिसाब से 80 रुपये यूनिट की, 80 रुपये की मेरी दिन की कॉस्ट आ गई। साल में 300 दिन का, महीने के अंदर मेरी 80 × 30 2400 रुपये लग गए, साल के अंदर 2400 × 12 28,800 रुपये लग गए। अब इन सारों को मैं टोटल कर लेता हूँ, हर महीने के अंदर 60,000 रुपये बचे बिजली के, 30,000 बचे मैन पावर के, इलेक्ट्रिसिटी के 2400, और टोटल सेविंग हो गई मेरी फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस 2400 गिव्स मी 92,200 रुपीस। साल की ये फिगर बन जाती है 11,08,000 रुपये। मैंने आपको क्या बोला था, शुरू के अंदर ही बोला था। अब आप मेरे को उस बात का जवाब दीजिए कि जी मैं दो लगाऊं कि अभी ऐसी लगाऊं कि वैसी लगाऊं। अगर आपकी आरओआई पॉजिटिव है तो लगाओ ना, दो लगाओ चार लगाओ, बिजनेस इज ऑल अबाउट नंबर्स। वो 2 मिनट में लिखेगा साहब आपको, कैलकुलेशन आप कर लो अभी, मोटा मोटी आपको लिख जाएगी 2 रुपए किलो बचा रहे हो, साल के महीने के कितने किलो बेचते हो, यूं हो जाएगी कैलकुलेशन। बट आपकी सेल भी तो होती, वो आप जितनी की सेल होती है उतने पे कर लो ना उसको, जितने की सेल होती है उतने पे कर लो। 5 ईयर यूनिट्स निकाल सकते, आप 1,000 पे कैलकुलेट करो, बस आप 1,000 पे करो उसको कैलकुलेट, क्या होगा, जो मेरी आरओआई 2 महीने की आ रही थी वो 4 महीने में आ जाएगी, 6 महीने में आ जाएगी, निकल तो जाएगा ना। तो जो आपका सवाल है कि मैं कब बड़ी वाली लेऊं या मैं कितनी बड़ी लेऊं, वो आप डिसीजन आपके हाथ में अपने आप आ गया। Monkey, a name you can rely on.